उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। लगातार विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि जातियों की जनगणना से जो संख्या है वह स्पष्ट हो जाएगी, उससे सरकार को विकास करने में सहयोग मिलेगा। ऐसे में हमारे संवाददाता विनाश ने लखनऊ के आम लोगों से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि जाति जनगणना कितनी जरूरी है या नहीं। देखिए लखनऊ की जनता की राय। जाति जनगणना को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और जाति जनगणना कराने के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है। बिहार में जाति जनगणना की जो मांग थी वह 7 जनवरी से शुरू हो जाएगी और बिहार में जाति जनगणना शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार जाति जनगणना को लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार पर सवाल कर रहा है कि जाति गणना जरूरी है। हम जानेंगे लखनऊ की जनता से और जानने की कोशिश करेंगे जाति जनगणना आखिर क्यों जरूरी है, क्या विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इसलिए जाति जनगणना जरूरी है, ये समझेंगे और जानेंगे लखनऊ के लोगों से जाति जनगणना कितना जरूरी है। विपक्ष लगातार जिस तरीके से सवाल उठा रहा है कि जाति जनगणना बहुत ही जरूरी है, तो किस तरीके से, क्या विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा इसे जाति गणना जरूरी है, आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए जाति जनगणना होना जरूरी है और इस पर विपक्ष का और सत्ता का कोई मतलब नहीं है। वही नीतीश कुमार ने जो है भाजपा के गठबंधन में सरकार चलाई, भाजपा के गठबंधन में रेल मंत्री रहे और यही जो है अब नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना जो बिहार से चालू हुई है, तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी। जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी है और जाति जनगणना के लिए वही डरा रहे हैं जिनकी सोच में खोट है, इसलिए जाति जनगणना होना ज़रूरी है। आप लोग को लगता है कि जाति जनगणना कराना बहुत ही ज़रूरी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी हकदारी है उतनी भागीदारी बन ले और किनारे हो। ये ना कोई कहा कि हमको हक नहीं मिला हमारी जात। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है कि जाति गणना जरूरी है। बिहार में भी तो जाति जनगणना की जो मांग थी उसको शुरू कर दिया जाति गणना वहाँ से, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से? बिल्कुल होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर भारत में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, तो बैकवर्डों की भी गिनती होनी चाहिए। ये बहुत राष्ट्रीय मसला है। अगर गिनती होगी, गिनती के आधार पर ही उनको हिस्सेदारी मिलेगी, इसलिए गिनती होनी चाहिए। उनकी गिनती 1931 से बाद आज तक नहीं हुई, 1931 के गणना के बाद तो बराबर गिनती होनी चाहिए। जो आवाज़ उठ रही पूरे देश में एक की आवाज़ नहीं है, न किसी जाति विशेष की आवाज़ है, ये सामाजिक लड़ाई है। सामाजिक लड़ाई में बिल्कुल आवाज़ होनी चाहिए, उठनी चाहिए और जाति गणना होनी चाहिए भारत में। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के पास विकास के मुद्दे नहीं है इसलिए विपक्ष जाति जनगणना कराने की मांग कर रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है, विकास के बहुत मुद्दे हैं, विकास का मसला इससे नहीं जुड़ा हुआ है। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में माननीय वीपी सिंह ने सामाजिक न्याय का नारा दिया था, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई में उनके साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए, जाति गणना होनी चाहिए। जाति गणना नहीं हो रही इसलिए उनके साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ लखनऊ के लोग जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार जाति जनगणना की जो मांग कर रहा है सरकार से, कहीं ना कहीं वो संवैधानिक है और जाति जनगणना होने के बाद ही लोगों का सही तरीके से विकास होगा, और सरकार की जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है जाति जनगणना की, तो वो कहीं ना कहीं संवैधानिक है और जाति जनगणना होनी जरूरी है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मैं अविनाश, MK न्यूज़ लखनऊ।